मेरे गणित के हिसाब से वो इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहेगा और रानी के दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा। टक टक। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी, सनी। हाँ अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, निकलो यहाँ से। ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, इसे कहो मेरे मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों हैं? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। बात को तुम चुप कर। अंकल जी मैं सनी, खुराना साहब का बेटा। कौन खुराना? कौन खुराना जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है और नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती हैं। और कहा जाती है बोलो? तुम बोलो। सीधे इनके यार के घर में। कौन यार? खोसला साहब। हाँ, अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू, टेस्ट कर रहा था। अंकल जी आप जानते हैं, जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में, तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा, ये भी झूठ। देखो सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस। वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। अंकल जी। हाँ। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं देखो। अब बोल। यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी, सनी। सनी नहीं शनी। ए तू चुप रे चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम, आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे। आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर।